तो काफी सारे पेशेंट को कंफ्यूजन रहता है पहले दिन टेस्ट सर्जरी के बाद एक्सरसाइज करनी, तो हम जो है उसी का एक शॉर्ट वीडियो बना रहे हैं, तो मैं आपसे करवाता जाऊंगा, ठीक है? तो वही चीज हम आप देख के कर सकते हैं। हाय फ्रेंड्स, तो आज हम सलीम जी के साथ हैं, आप मुंबई से आए हैं। यस सर। तो काफी सारे पेशेंट्स को कंफ्यूजन रहता है पहले दिन टेस्ट सर्जरी के बाद एक्सरसाइज करनी, तो हम जो है उसी का एक शॉर्ट वीडियो बना रहे हैं, तो मैं आपसे करवाता जाऊंगा, ठीक है? तो वही चीज हम आप देख के कर सकते हैं। बट दिस पेशेंट इज, ये जो हम वीडियो बना रहे हैं ये मेरे ही पेशेंट्स के लिए है मोस्टली, क्योंकि बाकी आपके सर्जन ने कौन सी टेक्निक से किया है उसमें डिसलोकेशन का रिस्क रहता है, तो मेरे ही पेशेंट्स इसको देखें ना, आप सब लोग ऐसा ना सोचें जिन्होंने सर्जरी आपके डॉक्टर से करवाई है वो आपके डॉक्टर से एक्सरसाइज पूछे। तो पहले दिन पे या कुछ टाइम में जैसे आपके पैरों को होश आ जाएगा, तो सबसे पहले एक्सरसाइज करनी है एंकल पंप, तो एंकल को ऊपर नीचे करना है, वेरी गुड, जैसे आप कर रहे हैं ये, तो इससे काफ मसल्स एक्टिवेट होती है, काफ एक्टिवेट होता है, काफ जो है सेकंड हार्ट ऑफ बॉडी बोलते हैं इसको, जैसे ब्लड ऊपर पंप हो और स्वेलिंग ना है, तो एक ये बेसिक एक्सरसाइज करनी है। दूसरी एक्सरसाइज करनी है क्वाड्रिसेप्स स्टैटिक, स्टैटिक क्वाड्रिसेप्स मतलब ये थाई के ऊपर की मसल्स होती है इसको क्वाड्रिसेप्स बोलते हैं, स्टैटिक मतलब के बिना मूवमेंट के उसमें स्ट्रेंथ लानी है, तो घुटने से बेड की तरफ प्रेशर देंगे, जैसे ये दे रहे हैं सर अभी, टाइट करेंगे और 10 तक काउंट करेंगे, 1 से लेके 10 तक काउंट करेंगे, फिर रिलैक्स छोड़ेंगे इसको, रिलैक्स छोड़िए, हाँ ऐसे, फिर नीचे बेड की तरफ पुश करेंगे। अब जब ये पुश कर रहे हैं आप, तब एंकल जैसे ये कर रहे हैं सलीम जी, ऐसे पुल करें और 10 तक काउंट करें, तो यहां से आपके हिप में पूरा सर्कुलेशन जाएगा वापस से और स्ट्रेंथ आना स्टार्ट। इसके बाद जब आप कंफर्टेबल फील करने लगे तो थोड़ा बेंड भी करना स्टार्ट करें, इन्होंने इतना बेंड किया, आप हमारे जो पेशेंट्स हैं वो इतना बेंड कर सकते हैं पहले दिन पर, क्योंकि हम स्पेशल MIS टेक्निक यूज करते हैं, डिसलोकेशन का कोई रिस्क नहीं। नीचे जाएंगे, नीचे आएंगे तो वापस ऐसे प्रेस करेंगे, ऐसे दबाएंगे, वापस बेंड करेंगे, ऐसा दबाएंगे। अब जब आपको बेड से बाहर निकलना है तो कैसे करेंगे कि जो आपका पैर का ऑपरेशन नहीं हुआ है उसको अंदर दबाएंगे और इस साइड आप घूम के धीरे धीरे आ जाएंगे, जैसे ये आ रहे हैं कि गली सर्जरी हुई है पर बहुत कंफर्टेबली इज कमिंग आउट, वेरी गुड, बेस्ट। तो ऐसे आप बेड से आ जाएं और आपकी 1/3 थाई ही बाहर रखें, 1/3 थाई बाहर रखने के बाद यही एक्सरसाइज करेंगे, ये एक्टिव क्वाड्रिसेप्स है, पंजे को अपनी तरफ खींचेंगे, यहां पे लाएंगे, 10 तक काउंट करेंगे, फिर अंदर ले जाएंगे, फिर काउंट करेंगे, फिर अंदर ले जाएंगे। ये बहुत बेसिक एक्सरसाइजेस हैं जो हमें करनी चाहिए, इसके बाद हम वॉकर की ट्रेनिंग करेंगे, ठीक है?